शुरुआत करते हैं अबाउट चालकोलिथिक साइट्स के साथ। कल हमने इनको डिस्कस किया था, आज हम इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट देखेंगे कौन सी साइट जो है वो कहाँ पर है, जिससे जो है वो हमारी एक रिवीजन हो जाए, प्लस सारा जो है वो हमारे जो पिछला हम रिवाइज कर रहे हैं वो भी साथ में चलता रहे। तो चालकोलिथिक फेज की अगर हम बात करें तो 3000 से लेकर 5000 BC तक की हम इसमें बात करते हैं, ठीक है। 500 BC तक जो है वो बात करते हैं ताम्र युग की। यहाँ पर चालको मतलब, चालको का मतलब है चालको, कॉपर और लिथिक स्टोन, मतलब कॉपर और स्टोन दोनों को जो है वो यहाँ पर यूज किया गया है। कॉपर और स्टोन की अर्ली जो है वो यहाँ पर मिक्सचर देखा गया है दोनों की। कॉपर भी शुरुआत में हल्का हल्का यूज करे हैं, प्लस लिथिक मतलब स्टोन एज का पार्ट है। और ये यहाँ पर कुछ साइट्स जो है वो हम देखते हैं प्री हड़प्पन फेज के साथ, कि यहाँ पर कुछ साइट्स जो है वो प्री हड़प्पन फेज की भी है और प्लस साथ में कुछ जो है वो नॉन हड़प्पन साइट्स भी है। अगर हम फीचर्स की बात करें, जो फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है चालकोलिथिक के, तो सबसे पहला ये कि इनको एग्रीकल्चर का जो है वो एग्रीकल्चर प्लस सेटल्ड लाइफ थी, मतलब यहाँ के लोग जो है वो एक जगह पर रहते थे और जो है वो एग्रीकल्चर खेती करते थे। प्लस प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये लोगों के जो है वो एनिमल्स रखते थे, लेकिन एनिमल्स जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं रखते थे, एनिमल्स का जो है वो उपयोग करते थे मांस के लिए, मतलब खाने के लिए ज़्यादातर, ठीक है। जो एक कल्टीवेशन करते थे, अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस करते थे वो था जूम कल्टीवेशन, मतलब एक एक जगह को, एक प्लॉट को पहले खाली करते थे, पेड़ काट देते थे, फिर वहाँ पर जो है वो एग्रीकल्चर करते थे, फिर देन उसके बाद जब वहाँ पे जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि सॉइल की जो उर्वरक क्षमता थी वो खत्म हो जाती थी, तब वो दूसरी जगह पे शिफ्ट कर जाते थे। तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है याद रखना, कि चालकोलिथिक में स्लैश एंड बर्न, मतलब एक तरह से जूम कल्टीवेशन जो है वो फॉलो की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो राइस और वीट और पल्सिस एंड बाजरा, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो इनके जो है वो क्रॉप्स थी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो है पॉटरी, तो वो आपको ये अब ये ब्लैक ब्लैक रेड एंड पॉटरी जो है वो आपको देखने को ही मिलेगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये व्हील मेड भी थी और हाथ से बनाई हुई भी थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि व्हील मेड भी थी और हाथ से बनाई हुई थी। इंपॉर्टेंट साइट्स में हमें काफ़ी जगह जो है वो एविडेंसेस के तौर पे कहीं पर कोई एविडेंस मिलता है, कहीं पर कोई एविडेंस मिलता है, तो उसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जब हम साइट वाइज पढ़ेंगे या साइट वाइज जो जो आती है वहां वहां से वो जो है सॉल्व हो सकता है। रूरल सेटलमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो आपका चालकोलिथिक फेज है यहाँ पर रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्रीय जो है वो यहाँ पर देखा गया है, ग्रामीण वाला विलेज लेवल पर बात करें हम उसकी, जिसकी विलेज लोग जो है वो विलेजेस में रहते थे। यहाँ पर अर्बन सेटलमेंट नहीं है, अर्बन सेटलमेंट की शुरुआत कहीं कहीं किसी किसी साइट में देखी गई है, बट मोस्ट ऑफ द साइट्स में आपको जो है वो विलेज इकोनॉमी देखी गई है। विलेज इकोनॉमी प्लस साथ में जो है वो लोग क्या रहते थे, झुंड में रहते थे और विलेजेस में रहते थे, जूम कल्टीवेशन वो प्रेफर करते थे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट साइट्स में हमने काफ़ी सारी साइट्स की बात की है, और यहाँ के जो लोग थे उनका मानना था कि जो जो डेड बॉडी थी, ठीक है, जो डेड था उसको क्या करते थे, जो जब मर जाते थे व्यक्ति, तो उन्हें जो है वो उनके घर के अंदर ही जो है वो फ्लोर में दफना दिया जाता था। डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ से साउथ की थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट साइट्स में अहर हमने बात करी थी, अहर और गुलिंद दो इंपॉर्टेंट साइट, ये आपकी बानस वैली में है राजस्थान में। यहाँ पर सबसे पहले गुलिंद में तो है वो बर्नट ब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, और बानस वैली में अगर हम बात करेंगे तो स्मेल्टिंग और मेटलरी, मतलब यहाँ पर जो है वो इंडस्ट्री सिस्टम जो है वो देखा गया है अहर में, ठीक है। अहर में आपको इंडस्ट्री देखने को मिलती है, और एक गुलिंद और अहर मैंने बताया था कि ये दोनों जो है वो महाराष्ट्र में है, सॉरी राजस्थान में है, प्लस कहाँ पर, ड्राई बेड में, मतलब यहाँ पर जो है वो एरिड और सेमी एरिड कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है राजस्थान में। देन उसके बाद निवेसा और आपका ईरान जो है वो, ईरान जो है वो एग्रीकल्चर, ये हमने एक स्टडी किया था जिसमें हमने दैमाबाद की बात की थी, इनम गांव की बात की है। दैमाबाद की अगर हम बात करें तो जुरावे की, जो जुरावे कल्चर है उसकी लार्जेस्ट साइट है इन गोदावरी वैली, और यहाँ पर जो एविडेंसेस मिले हैं वो, एक तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रॉन्ज गुड्स रिकवर हुए हैं, ब्रॉन्ज के बने हुए छोटे छोटे खिलौने जो है वो यहाँ पर मिले हैं, जैसा ब्रॉन्ज एलिफेंट, ब्रॉन्ज रियानोसोर, ठीक है, व्हील चैरेट जिसमें जो है वो एक राइडर भी है, बेफलो है यहाँ पे, तो ये कुछ एविडेंसेस मिले हैं। देन उसके बाद सोन गांव, इनम गांव और नासिक, ये तीन इंपॉर्टेंट साइट्स है जो आपकी कहाँ है, महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में जो एविडेंसेस मिलते हैं यहाँ पर, यहाँ पर जो बात की गई है वो है मड ब्रिक्स की, कि लार्ज मड हाउसेज यहाँ पर देखे गए हैं विद ओवन्स एंड सर्कुलर पिट्स, मतलब यहाँ पर जो है वो हाउसेज कैसे थे, मड हाउसेज, मतलब विलेज इकोनॉमी। अब शहरों में ब्रिक्स यूज करते थे, लेकिन मड की बात की जा रही है, दैट मीन्स ग्रामीण क्षेत्र,
तो ये कुछ चीज़ें जो है वो अपने माइंड में सेट करनी पड़ेगी कि अगर मड की बात कर रहे हैं तो विलेज हो सकता है, ब्रिक्स की बात कर रहे हैं तो शहर हो सकते हैं। कयाथा कल्चर नॉन हड़प्पन, प्री हड़प्पन कल्चर है ये। कयाथा कल्चर क्या है? प्री हड़प्पन मतलब यहाँ पर जो है वो हड़प्पा की जो है वो प्री फेज, मैच्योर फेज शुरू होने से पहले जो अर्ली हड़प्पन फेज थी उसके एविडेंसेस जो है वो यहाँ पर देखे गए हैं कयाथा कल्चर में। मालवा कल्चर एमपी का, ठीक है, मालवा कल्चर और आपका दो कयाथा कल्चर। तो कयाथा जो है वो आपका हड़प्पन है, मालवा नॉन हड़प्पन कल्चर है। दैट मीन्स मालवा जो है वो कल्चर कहीं ना कहीं जो है वो आपका चालकोलिथिक की जो लास्ट फेज थी, शुरू की फेज थी, उसको डिफाइन करता है। यहाँ पर आपको स्पिंडल वॉल्स मिल जाएंगे, प्लस ये जो है वो रिचेस्ट चालकोलिथिक यहाँ पर जो है वो सिरेमिक आपका सिरेमिक मिलेगी, मतलब यहाँ की जो साइट्स हैं वो चालकोलिथिक रीजन में ज़्यादा कल्चर जो है वो रिच मिली है, कि यहाँ पर जो है वो काफ़ी अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग काफ़ी रिच थे। कहता है ईरान, मैंने आपको बता दिया, सेम है, बस हमें याद करना पड़ेगा। जुरावे कल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि जुरावे कल्चर किससे रिलेट कर रहा है, तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र से रिलेट करता है। यहाँ पर आपको दो साइट्स आते हैं, इनम गाँव और दैमाबाद। तो इनम गाँव की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट सेटलमेंट है चालकोलिथिक की, चालकोलिथिक की लार्जेस्ट सेटलमेंट है इनम गाँव, ये याद रखना। यहाँ पर 45 साइट है, प्लस साथ में जो फोर्ट है, मान लो ये फोर्ट है तो इसके आसपास में जो है वो खाई थी, ठीक है। तो इनम गांव का स्पेशल फीचर है कि वो सबसे लार्जेस्ट साइट है चालकोलिथिक की। और दैमाबाद की अगर हम बात करें तो दैमाबाद जो है वो लार्जेस्ट साइट है किसकी? जुरावे कल्चर की। जुरावे कल्चर की लार्जेस्ट साइट है दैमाबाद, और इनम गांव है चालकोलिथिक की सबसे बड़ी साइट। और ये दोनों साइट्स वैसे तो जुरावे में आती है, कि दैमाबाद और आपका जो इनम गांव है यहाँ पर भी आपको जुरावे कल्चर के कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी साइट है वो इनम गांव है। ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ध्यान रखिएगा। देन आर्ट एंड क्राफ्ट, अब लोग गांव में रह रहे थे, सेटल लाइफ थी, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी डेवलपमेंट शुरू होती है, सोशल डेवलपमेंट तो वो शुरू होती है कि लोग जो है वो आर्ट एंड कल्चर की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे जो है वो क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग एविडेंसेस देखे हैं, टेराकोटा आर्टिशन। टेराकोटा जो होती है वो क्ले होती है, एक तरह से टेराकोटा क्ले होती है जिसका उपयोग किया जाता है छोटे छोटे गुड़ियाँ बनाने के लिए। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि अगर वो गुड़ियाँ मिल रही है, जैसे हाथी हो गया, आपका एलिफेंट हो गया, शेर हो गया, या अदर एस्पेक्ट की छोटी छोटी, बफलो हो गया, रियनोसोर हो गया, तो इनके एविडेंसेस मिल रहे हैं। तो इसे अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो क्या था, कि इस तरह के जानवर मिलते थे। क्योंकि हम कोई भी अगर किसी भी कोई फोटो क्लिक करते हैं तो वो इसीलिए क्लिक करते हैं ताकि हमें वो दिख रही है। तो सेम अनुमान ऐसा है कि अगर हम किसी चीज को फ्रेम कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो जानवर उस टाइम पे होगा। ब्यूरल प्रैक्टिस, मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ब्यूरल था वो आपको घर के अंदर ही दफनाया जाता था, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। काफी इंपॉर्टेंट है मैम, ये याद रखना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। और उसका रिलीजियस कल्ट वही है कि जो टेराकोटा फिगराइन है उसमें कहीं ना कहीं अनुमान लगाया गया कि एक फीमेल फिगर मिला, जिससे ये अनुमान लगा कि ये जो है वो मदर गॉडेस का हो सकता है। अब जब मदर गॉडेस यानी कि आपका अर्थ, अगर अर्थ की बात कर रहे हैं तो यहाँ के लोगों का ये भी सिस्टम हो सकता है कि ये लोग नेचर पे वर्शिप कर, नेचर को वर्शिप करते हो, ये जो है वो नेचर की पूजा करते हो, ये अनुमान लगाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट साइट्स में गानेश्वर है, और ये जो है वो आपका राजस्थान में है। इसके रिगार्डिंग हम पूरा डिटेल में जो है वो कल कर चुके हैं, और आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स है। हड़प्पा जो है, अब जब हम आगे हड़प्पा को पढ़ेंगे, प्लस ये जो आपका चालकुली थी, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर में। मालवा कल्चर की अगर हम बात करें तो मालवा जो है वो आपका 1700 से लेकर 1200 के बीच में रहा है, ईरान। और ईरान जो है वो मैंने आपको बताया कि नॉन हड़प्पन साइट है। तो याद रखना, कया था जो है आपका वो हड़प्पन में आता है, हड़प्पा प्री हड़प्पन फेज है, और ईरान की अगर हम बात करें तो नॉन हड़प्पन मतलब मालवा कल्चर नॉन हड़प्पन में आता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है अदर, कि ये लोग अभी देखो चालकोलिथिक, चालको का हमने तो बना दिया, ये तो बन गया कॉपर, ठीक है, लेकिन लिथिक कहीं ना कहीं अभी भी हम जो है वो स्टोन के साथ जोड़ रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि ये जो लोग थे ये कॉटन रिच रीजन में तो रहते थे, ठीक है, मतलब, और लेकिन पर ये क्या करते थे यहाँ पर, कॉटन कल्टीवेट नहीं करते थे, मतलब कॉटन की कल्टीवेशन नहीं होती थी, ब्लैक सॉयल रिच रीजन में रह रहे थे, जैसे महाराष्ट्र गुजरात का जो रीजन है, ठीक है, वेस्ट महाराष्ट्र और नॉर्थ वेस्ट महाराष्ट्र और गुजरात वाला वेस्ट, गुजरात वाला
नॉर्थ साउथ वाला वो जो रीजन है जहाँ पर विंध्याचल और दोनों गुजरात मिलते हैं, इस तरह से अगर हम देखें इसको मैप में, तो ये वाला यहाँ तो हो गया आपका, ये तो हो गया आपका यहाँ, ये तो हो गया गुजरात, और ये वाला जो रीजन है ये बहुत, ये महाराष्ट्र का ये जो रीजन है, यहाँ पर जो ब्लैक सॉइल जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इस रीजन में बहुत ज़्यादा मिलेगी, तो इस वजह से जो है वो यहाँ कॉटन कल्टीवेशन के चांसेस जो है वो फैसिलिटीज या कंडीशंस हम कहें तो वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो कॉटन कल्टीवेशन को उतना ज़्यादा नहीं जानते थे, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। उसके बाद कश्मीर में भी एक साइट है, और मैंने आपको बताया था कश्मीर की साइट के रिगार्डिंग भी कि ये वाला जो हमारा है बुर्ज होम, ठीक है, बुर्ज होम ये साइट जो है वो कश्मीर में है, कश्मीर वैली में, और ये ग्लेशियर क्ले मतलब आपका केरवाज क्ले रिच रीजन के साथ बनती है, यानी कि ग्लेशियर डिपॉजिट, जो ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होकर अपने साथ डिपॉजिट लेकर आया, और फिर यहाँ पर जो प्लेन फर्टाइल वैलीज बनी उसमें जो ये साइट मिलती है ये आपके है बुरजोम, और इसका जो कश्मीरी मतलब है, ये कश्मीरी वर्ड है, इसका मतलब है प्लेस ऑफ ब्रिज, ब्रिज जो है वो ट्री है, ब्रिज ट्रीज थे जो इस साइट में मिलते थे, उसके नाम पे ये साइट का जो है वो नाम रखा गया है, और प्रेजेंट टाइम पे ये केरवा रिच रीजन है, यहाँ केरवाज लेवेंडर के लिए कल्टीवेशन के लिए, केसर कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी साइट है, और केसर कल्टीवेशन के रिगार्डिंग जो है वो अभी करंट में भी चला हुआ है। देन उसके बाद चालकोलिथिक साइट्स की अगर हम बात करें तो मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये सारा मैप में मैंने मेंशन है और सब करवा दिया है मैंने ये सारा आपको, यहाँ पर जो जो साइट्स है जैसे आपका ईरान हो गया, मालवा कल्चर हो गया, कयाथा कल्चर देखो नीचे है तो मालवा ऊपर है, तो यहाँ पर जो है वो नॉन हड़प्पन है, ये याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ से वो पूछता है कि कौन सी साइट किस फेज में है। देन मेजर चालकोलिथिक साइट्स, ठीक है, और आपका उसके साथ फीचर्स, तो बानस कल्चर मतलब जो उस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट कल्चर थे, तो बानस कल्चर कहाँ पर मिलता है, आहार नियर उदयपुर और गुलिंद, ये दो इम्पोर्टेंट साइट होगी बानस कल्चर की। कथिया कल्चर की अगर हम बात करें तो चंबल रीजन में मिलता है और यहाँ मध्य प्रदेश में। कयाथा कल्चर जो है वो प्री हड़प्पन फेज के साथ जुड़ता है। मालवा कल्चर जो है वो आपका नॉन हड़प्पन फेज है, यहाँ पर आपको नव द तोली साइट मिलती है जो कहाँ है आपकी मध्य प्रदेश में। अब इसको सीधा यहाँ पर याद रखना ये नॉन हड़प्पन है। उसका जोरावे कल्चर इनम गांव और दैमाबाद, ये दो इंपॉर्टेंट साइट्स है। इनम गांव जो है वो लार्जेस्ट साइट है चालकोलिथिक की, लेकिन दिनम गांव जो है वो जोरावे कल्चर की जो है वो लार्जेस्ट साइट है, तो ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो याद रखना, और ये देन उसके बाद इंपॉर्टेंट साइट्स, और ये सारा हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। देन फ्यू क्वेश्चंस जो हमने कल डिस्कस किए थे, और ये जो है वो आपने सारे के सारे मैम अच्छे से याद कर लेने हैं, यही क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस जो है वो रिपीटेड जो है वो हो जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे हम जो हमने कल किया था उसी में से कोई एक क्वेश्चन जो है वो